नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के सबसे नंबर वन शेयर, जो लीडर शेयर है अपने सेक्टर का, आईटी सेक्टर का, TCS के बारे में। दोस्तों TCS का जो है कल क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब क्वार्टर वन के रिजल्ट की शुरुआत हो रही है एक ऐसे कंपनी से जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की नंबर टू रिलायंस के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन में दूसरे नंबर की कंपनी है TCS। तो ऐसे बेहतरीन कंपनी के साथ क्वार्टर वन के रिजल्ट की शुरुआत हो रही है, तो चलिए हम इसमें TCS के बारे में जानेंगे, TCS के जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में, TCS का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में, किस लेवल्स में आपको बाय करनी चाहिए, रिजल्ट कैसा आता है उसके अनुसार आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो क्या करना चाहिए, अगर रिजल्ट कुछ खराब आता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर कॉर्पोरेट एक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 9 जुलाई क्वार्टरली रिजल्ट एंड इंटरिम डिविडेंड। तो क्वार्टरली रिजल्ट और इंटरिम डिविडेंड जिसके लिए 9 जुलाई 2020 को बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो देख सकते हैं TCS हमेशा डिविडेंड देते आया है, 600% का डिविडेंड जून 3, 2020 को दिया है, फिर यहाँ इंटरिम डिविडेंड 1200% 2020, तो 2020 में देख सकते हैं 1800% का डिविडेंड दे चुका है। उसके बाद 500 ये भी 18.5 जोड़ दीजिए 2300% का डिविडेंड, मतलब 2300 रुपया डिविडेंड के रूप में दे चुका है। तो काफ़ी डिविडेंड के रूप से बेहतरीन स्टॉक है, साथ साथ ग्रोथ में इसमें काफ़ी संभव है, मतलब आगे जाकर के इसमें ग्रोथ भी काफ़ी होने वाला है। साथ ही साथ कहें बोनस भी इस कंपनी देती है, देखते हैं 2018 में, 2009 में, 2006 में, तो रेगुलर इंटरवल पर बोनस भी देती है। और जहां स्प्लिट की बात करें तो ये फेस वैल्यू 1 का शेयर है, इसलिए स्प्लिट का उम्मीद इसमें मत कीजिएगा, तो सिर्फ आपको बोनस यहाँ मिल सकता है, डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपने देख लिया, उसके बाद वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मार्केट कैप 8,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 25 का है और इंडस्ट्री का 21 का है, तो इंडस्ट्री के आसपास ही है, थोड़ा सा पी महंगा है। वहीं बुक वैल्यू कहें 198 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स है अपने बुक वैल्यू से इसका प्राइस। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 88 रुपीज़ है, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतरीन है, 88 रुपीज़ पर शेयर का अर्निंग है इसका, तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद आप इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो फाइनेंशियल है हमारा तो इसका जो नेट सेल्स है वो लगातार कांस्टेंट है, मतलब कंपनी अपने ग्रोथ फेज में नहीं है, कंपनी कोई ग्रोइंग कंपनी नहीं है, मतलब कांस्टेंट हो चुकी है। यहाँ पर प्रॉफिट देखिएगा, प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, थोड़ा सा 100 करोड़ ऊपर नीचे तो प्रॉफिट भी कांस्टेंट, हर चीज़ कांस्टेंट, मतलब इसी को हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनियाँ, जो आपको एक स्मॉल कैप जैसा मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकती, लेकिन डिविडेंड के रूप में काफ़ी शानदार डिविडेंड देगा, काफ़ी शानदार रिटर्न देगा, साथ साथ स्लोली ये आगे ग्रो भी करेगी, स्लोली ग्रो करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बूम और आगे आएगा, तो ऐसे में ये कंपनियां ग्रो कर सकती है, स्मॉल कैप में थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा संभव होता है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट भी कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के पास जो रिजर्व और सरप्लस है 73,000 करोड़ का, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 73,000 करोड़ का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हैं जीरो है, यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स जीरो है, तो आप देखते हैं सिर्फ करेंट लाइबिलिटीज इतना है, लॉन्ग टर्म कोई भी ना, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, मतलब डेप्ट फ्री कंपनियां है, तो डेप्ट बिल्कुल जीरो है। उसके बाद इसके डिफरेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं, तो डिफरेंट जो रेशियोज है, तो नीचे चलते अर्निंग पर शेयर तो आपने देख लिया 88 रुपीज़ का। उसके बाद जो है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिसर्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर देख लीजिए जीरो है, रिटर्न ऑन एसेट 31%, बताइए रिटर्न ऑन एसेट 31%, तो ऐसे कंपनियों में कौन इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 52% का, बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उस पर रिटर्न 52% का, तो ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का, ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे। ब्लू चिप कंपनियां है तो इसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो आपका रिटर्न दे रहा है काफ़ी शानदार दे रहा है, आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है काफ़ी शानदार है, जो रिटर्न ऑन एसेट है काफ़ी शानदार है, तो हर चीज़ बेहतरीन है, तो ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना कौन नहीं चाहेगा। तो ऐसे में इसका जो कल है रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर वन का, ऐसे बेहतरीन कंपनियों का जिसका हर फंडामेंटल्स बेहतरीन है। अब चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, तो ये देख सकते हैं TCS
तो हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये आपको जब आप डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लेता है। अगर इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मात्र मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर डिलीवरी आपको लगता है। तो काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और अभी अकाउंट ओपन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 2000 के लेवल से इसमें मोमेंटम आया, तो एक ही कैंडल में ये देखते हैं एक ही कैंडल में 2100 को पार कर गया। फिर वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर यहाँ पर देखते हैं लगातार मोमेंटम, लगातार 1, 2, 3, 4 कैंडल बनाता है, फिर आज थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। यहाँ पर जो आया था इसमें जो गिरावट यहाँ पर आया था ये 1500 के आसपास, वहाँ से जो मोमेंटम आया था देखते हैं लगातार मोमेंटम इसमें आया, लगातार जो है ये सीढ़ी नुमा बनाते चला गया ऊपर की ओर। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स में से एक है। तो इसका जो मेजर सपोर्ट है, ऐसे भी जानते हैं ये 2000 लेवल इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। 2000 लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इसमें 1900 का लेवल मिल सकता है। 1900 का लेवल तभी ब्रेक होगा जब हमारा मार्केट क्रेश होगा। बिना मार्केट के क्रेश हुए 1900 के लेवल को ब्रेक कर पाना इस स्टॉक के लिए संभव नहीं है। अगर मार्केट क्रेश होता है तब तो सारे स्टॉक्स में गिरावट होगा, चाहे TCS हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे कोई भी कंपनियाँ हो। तो इसका जो सबसे पहला सपोर्ट है वो 2000 लेवल है, फिर दूसरा 1900 है, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब वहाँ तक नीचे गिरने की संभावना ही बहुत ही कम है। जब मार्केट क्रेश होगा तभी गिर सकती है 1900 के नीचे, चाहे रिजल्ट कितना भी ख़राब हो, क्योंकि अभी ये कंपनियाँ मार्केट की लीडर है, इसका बिजनेस काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। तो अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करेंगे। चलिए 5 ईयर्स में इसका रिटर्न देख लेते हैं। 5 ईयर्स में देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। ऐसे ब्लूचिप कंपनियाँ जो आपको 80% का रिटर्न दे रहा है, इतने मतलब गिरावट आने के बावजूद, मार्केट हमारा इतना बैड कंडीशन में, उसके बावजूद 5 ईयर्स में 80% का रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में यहाँ से देख सकते हैं आपको कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है ये 1744% का। साथ ही साथ आपको 3 बार बोनस भी दिया है 2004 से 2020 तक में, देख सकते हैं 1744% का रिटर्न। साथ ही साथ आपको 3 से 4 बार बोनस शेयर भी दिया है और डिविडेंड तो इतनी शानदार है कि इतनी बड़ी कंपनियों का देखते हैं 1.49% का डिविडेंड यील्ड है। तो हर चीज़ शानदार है, तो स्टॉक भी शानदार है, इसका ग्रुप जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है वो भी शानदार है, तो मैनेजमेंट भी शानदार, तो सारा चीज़ इसमें काफ़ी बेहतरीन है। ऐसे स्टॉक्स, इसके रिजल्ट को हम कल निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कैसा हुआ, और जो Q1 का स्टार्टिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि इनकम में भारी गिरावट आएगी, उस इनकम में भारी गिरावट एक ऐसे कंपनियों के साथ हो रही जो मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी लीडर कंपनियाँ हैं, तो कल रिजल्ट देखना मत भूलिएगा। तो अब हम इसके NSE पर चलते हैं, कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं NSE पर जो कारोबार है क्लोज हुआ है 2219 रुपीज़ पर, मतलब 2219 रुपया भी इसका करेंट प्राइस है। 50 रुपीज़ आज डाउन है 2.24%। ओपन हुआ था 2270 रुपया पे, जो पीछे क्लोज हुआ था 2269 रुपया पे। हाई बनाया 2274 रुपये का, लो बनाया 2207 रुपये का, और जो हमारा क्लोजिंग हुआ आज 2219 रुपये पर। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप जाइए देख सकते हैं, यहाँ पर जो कंपनी इन्फॉर्मेशन है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, लगातार प्रॉफिट में 31 मार्च 2020 को यहाँ पर ग्रो हुआ था दिसंबर क्वार्टर से। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो 72% प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास रेस्ट शेयर है। उसके बाद डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड काफ़ी शानदार है, देखते हैं एक्स डिविडेंड 16 जुलाई को जो इंटरिम डिविडेंड है, उसके बाद डिविडेंड देखते हैं 6 रुपया पर शेयर 3 जून को, उसके बाद 12 रुपया पर शेयर 19 मार्च को, उसके बाद 5 रुपया पर शेयर 23 जनवरी को। तो यहां पर 16 जुलाई फिक्स है एक्स डिविडेंड डेट, इंटरिम डिविडेंड 16 जुलाई। तो काफ़ी बार डिविडेंड ये दे चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 टाइम्स 2020 में ये डिविडेंड दे चुका है, तो कितना बेहतरीन शेयर है। अब हम फिर नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ प्रमोटर्स अगर प्लेस्ड शेयर देखना है तो देख सकते हैं प्रमोटर्स का 2.94% शेयर प्लेस्ड है, तो जो कि काफ़ी कम परसेंटेज है, क्योंकि शेयर जो है कंपनी के पास 72% प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से 2% मात्र प्लेस्ड है। तो कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी मतलब अच्छा कंपनी है, उसमें से मात्र 2% शेयर प्लेस्ड है।
उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं आज का जो ट्रेडिंग है इसमें, तो इसमें जो डिलीवरी है ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो देख सकते हैं 27 लाख क्वांटिटी, मतलब अप्रॉक्स 28 लाख क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसमें से 11 लाख क्वांटिटी डिलीवर हुआ है। तो 40% का डिलीवरी परसेंटेज है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो हर चीज़ इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, और जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसको जो डिस्कस करेंगे उसे देखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा।